हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार और प्रणाम। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल और Facebook पे संजू देहाती ब्लॉग्स पे। और तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले हैं जो आने वाला कुछ ही दिन के बाद में जो हमारा झारखंड यानी झारखंड प्रदेश में होने वाला जो एक प्रमुख पर्व है, यानी कि जो कर्मा पर्व है, उसके बारे में। तो दोस्तों, हम लोग कर्मा पर्व के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और ये त्यौहार हम लोग कब से मना रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा कुछ बताने वाले हैं कि हम लोग क्यों मनाते हैं या फिर कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि जो कर्म पर्व का जो इतिहास है और जो इसका कहानी है कि आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं, तो उसके बारे में सारा कुछ हम लोग आगे चल के जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आखिर जो ये कर्म पर्व होता है, इस पर्व को कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस पर्व को जो भी कुंवारी लड़कियां होती है वही लोग इस पर्व को करती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि कर्म पर्व के बारे में, तो जगह जगह पे ये अलग अलग प्रकार से कई रूपों में किया जाता है, जिनमें से कि कुछ जो कर्म के रूप हैं यानी कि जो कर्मा करने का जो तरीका है उनका मैं आप लोगों को नाम बताना चाहेंगे। तो उनमें से जो है कि पहला दसाई कर्म, कडरू कर्म, सोहराई कर्म और बूढ़ी कर्म। और दोस्तों, इन सब के अलावा जगह के आधार पे और जो भी है एक दो कर्म के रूप में मनाया जाता है या फिर तो किया जाता है। और तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बूढ़ी कर्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आखिर जो बूढ़ी कर्म होता है वो क्या होता है या फिर कब मनाया जाता है। तो ये जो बूढ़ी कर्म होता है वो तब मनाया जाता है जबकि हमारे गांव या फिर जो भी हमारे आसपास यानी रह रहे जगहों में जब बारिश यानी बरसात नहीं होती है, तब जो होता है जितने भी गांव के हमारे माता या फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सभी लोग मिल के जो भी है कि इस कर्म को पूरा विधिवत करते हैं। और जो भी जहाँ पे इस कर्मा का जो पूजन करते हैं उस जगह पे अपना जो भी सांस्कृतिक रूप से नृत्य करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। तो इस तरह से करने के बाद जो होता है कि बारिश होती है, तो इस तरह से मनाता है। और ये चीज़ पहले के समय होता भी था और ये चीज़ अभी भी कहीं कहीं देखने को होता है यानी मिलता है हम लोगों को। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बूढ़ी कर्म। बाकी हम लोग अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फाइनली जो हम लोग का जो मेन है कि हम लोग कर्म पर्व के बारे में जानते हैं तो ये कब से शुरू हुआ था। तो इसको हम पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि आखिर इसका इतिहास कितना पुराना है। वैसे तो इसका इतिहास के बारे में किन्हीं को भी कोई पता नहीं है कि इसका इतिहास कब है। ये सदियों से चलता आ रहा है और एक तरह से ये अभी भी उसी रूप में चलते आ रहा है। तो हम लोग बस आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जो हम लोग जहाँ तक से जानते हैं कि हाँ उस जगह से इस पर्व का शुरुआत हुआ था, उसी का आज हम लोग आप लोगों को कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। और तो दोस्तों, आगे हम लोग कहानी जानने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे जो कि हम लोग का जो कर्म का जो पर्व होता है यानी कर्म का जो त्यौहार होता है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, या तो हम लोग कहें तो जो ये कर्म देव का एक प्रमुख चढ़ावन होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि हम लोग जावा कहते हैं। और अब ये जावा क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जावा जो होता है ये हमारा गांव के जो भी बहनें होती है वो इसको क्या करते हैं, उठाते हैं। यानी कि एक तरह से उठाने का मतलब है कि उसको बनाते हैं। अब इसके लिए जो होता है जावा किस तरीके से बनाया जाता है मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो बहनें होती है वो एक तरह से हम लोग का जो भी गाँव का नदी होता है या फिर इसके अलावा जो और अगल बगल हम लोग को जहाँ से हम लोग को बालू यानी बाला मिल जाता है उसको जो होता है कि लेके आती है, जो भी अखाड़ा होता है या आंगन होता है वहाँ पे, और जो है कि उसमें कुछ बीज मिलाया जाता है जिसमें कि 5 प्रकार से 7 प्रकार से या फिर 9 प्रकार से बीज को वहाँ पे मिलाया जाता है। इसमें कुछ बीज जिस तरह से है कि धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, उड़द हो गया, सुरगुजा हो गया, और इस तरह से जो है कि 5, 7 या फिर 9 बीज उसमें मिलाया जाता है। और साथ ही साथ जो होता है उसमें हल्दी का पानी यानी कि हल्दी का घोल जो होता है उसको मिलाकर उसको क्या किया जाता है तो साना जाता है, यानी कि उसको पूरा मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद जो होता है उसको एक टोकरी में, जिसको कि हम लोग डलिया बोलते हैं, यानी कि एक छोटा सा टोकरी होता है, तो जो है कि उसमें उसको उठा के रखते हैं। और इसको उठाने का भी तरीका होता है, उसके लिए जो होता है जो भी बहने यानी कि जवा उठाती है वो उसको क्या करते हैं कि सीधे हाथ से जो है 3 बार यानी कि उसमें उठा के डालते हैं, और जो होता है उल्टा हाथ से यानी कि इस तरह से करके उसमें 3 बार जो होता है बाला को यानी कि उसमें डालते हैं यानी टोकरी के अंदर में। और फिर जो होता है उसके ऊपर में पानी यानी हल्दी पानी डाला जाता है, और जो होता है अखाड़ा या आंगन उसके जो बीच में
यानी जहाँ हम लोग कर्मा को गाड़ते हैं वहाँ बीच में जो है हम लोग वहाँ उसको रखते हैं, और जो भी बहने होती है वो अपना स्थानीय भाषा के हिसाब से जो है कि अपना संगीत गीत वहाँ पे गाते हैं, और जो है कि उसके चारों तरफ से झूमते हुए उसको एक तरह से जगाते हैं, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं जावा जगाना, जिसमें गाना गा के जो होता है एक तरह से अपना नृत्य किया जाता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना भी चाहूँगा कि ये जो हम अभी आप लोग बताएं जवा उठाने का तरीका, ये थोड़ा जगह पे कुछ अलग हो सकता है, बाकी ये जो हमारे यहाँ किया जाता है उस तरीके से हम आप लोगों को बताएं, बाकी आपके तरफ कैसा किया जाता है आप लोग कमेंट में हम लोग को बता सकते हैं, बताइएगा, हम लोग को भी पता चलेगा कि इस जगह पे कैसा किया जाता है। और तो इस तरह से जो दोस्तों होता है कि उस जावा को जो होते हैं जितने दिन के लिए हम लोग उठाते हैं, 5 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए या फिर 9 दिन के लिए, तो उतना दिन तक जो होता है जो भी बहने उठाती है उस जावा को सेवा करती है। सेवा करती है का मतलब जो है कि उसको सुबह शाम जल देती है, यानी कि पानी देती है, और सुबह में हो गया शाम में उसी तरह से जाती है और उस जावा को जो भी निकाल के लाती है और उस स्थान में रख के उसको पानी जल जो भी देते हैं, उसके बाद में उसके चारों तरफ फिर से उसी तरह से नृत्य करके उसको सुबह और शाम यानी कि कर्मा आने तक जो होता है उसको पूरा हम लोग जगाते हैं, यानी कि उसको एक तरह से सेवा करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे बहने होती है यानी कि जो जावा को जगाते हैं एक तरह से उनका काफ़ी रोल रहता है, यानी योगदान रहता है उस जावा को जगाने में, क्योंकि जो भी वहाँ पे जगाते हैं या जो पूजा करते हैं वो जितने दिन के लिए हम लोग जो जावा को जगा रहे हैं या जितना दिन का हम लोग जावा उठाए हैं उतना दिनों तक जो भी होता है कि उनका जो खान पान होता है बिल्कुल सादा होता है, वो किसी भी प्रकार से मांस मछली या इस प्रकार का जो भी खाना होता है उस तरह का सेवन नहीं करते हैं, सादा खाना का सेवन करते हैं। और इसमें यह भी हम लोग मान्यता है या फिर कहा जाता है कि अगर किसी ने अगर गलती से कुछ उस प्रकार से खा लिया तो जो होता है वो चीज़ हम लोग जावा में दिखने लगता है, दिखने का मतलब हो गया कि जावा अच्छा से नहीं निकलेगा या फिर हो सकता है कि वहाँ पे कीड़ा लग जाएगा या हो सकता है वो एक तरह से वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, तो इस तरह से ये भी माना जाता है और ये चीज़ हम लोग एक्चुअल में मानते भी हैं और सच में ये होता भी है। और इस तरह से जो होता है दोस्तों कि जावा जो है कि हम लोग जावा बनाते हैं जो कि हम लोग का जो यानी कर्म का जो पूजा होता है उस दिन तक जो जावा होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसी का जो हम एक तरह से चढ़ावन वहाँ पे करम देव को चढ़ाते हैं। तो बाकी चलिए अब हम लोग जानते हैं कहानी, जो कहानी की किस प्रकार से करम का शुरुआत हुआ था और कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो आगे हम लोग चल के अब उसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों कहानी शुरू होता है एक गाँव से, जिस गाँव में एक दंपति रहा करता था, जो कि दोनों दंपति अपने घर में रहा करते थे और उनका नाम था बिरसा और ननकी, और दोनों जो पति पत्नी थे वो काफ़ी खुशी खुशी अपना घर में रहा करते थे और जो भी अपना दिनचर्या होता था उन लोगों का कि अपना बारी खेत में काम करना और जो भी खा पी के रहना। तो इस तरह से समय बीतते जाता है और कुछ समय बीतने के बाद जो होता है उन लोगों का एक टेंशन आ जाता है, टेंशन यानी कि एक बहुत बड़ा परेशानी, और परेशानी ये होता है कि उनको जो है काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई पुत्र का प्राप्ति नहीं होता है, और इस बात पे लेकर दोनों जो रहता था हमेशा चिंतित रहता था। और इस तरह से जो होता है कि एक दिन वो लोग जो है अपना बारी काम करने के लिए जाता है और काम करते करते जो होता है कि दोनों काफ़ी थक जाता है, तो जब थक जाता है तो दोनों सोचता है कि थोड़ा देर हम लोग बैठ के आराम कर लेते हैं, ताकि आराम करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग काम अपना करेंगे। और इस तरह जो होता है वो लोग जो अपना बारी के बगल में एक पेड़ रहता है, और जो हम बता देना चाहेंगे कि जो पेड़ होता है वो करम का पेड़ रहता है, तो उसी पेड़ के नीचे जो जाता है और उसके बाद दोनों बैठ के अपना आराम करने लगता है और दोनों आपस में कुछ कुछ बात वगैरह जो भी है करते रहते हैं। और जो होता है इसी बीच में जो ननकी होती है वो उसका आँख लग जाता है, यानी कि ननकी को नींद आ जाता है, तो जो होता है कि वहीं पे वो जो थोड़ा देर के लिए लेट जाती है, और लेटने के बाद जो होता है कि उसको जो है एक स्वप्न आता है, स्वप्न ये आता है कि जो करम का पेड़ है यानी जो करम देव हैं वो उनके स्वप्न में आते हैं और जो है उनको बताते हैं कि जो तुम दोनों पति और पत्नी इतना ज़्यादा परेशान रहते हो या फिर इतना ज़्यादा तुम लोग एक तरह से चिंतित रहते हो कि हमारा कोई भी पुत्र या संतान नहीं हुआ है, और इस तरह से जैसे तुम्हारा जो ये दुख है इस दुख को हम दूर कर सकते हैं, यानी कि अगर तुम मेरा कहे हुए हिसाब से अगर तुम अपना हम जो बोलेंगे वो चीज़ करोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, और इस तरह से कह के जो है कि उसको एक अपना बताते हैं। बताते क्या है कि अगर तुम मेरे कर्म का जो पेड़ है यानी कर्म जो मेरा है उसका अगर तुम 3 डाली ले जाके अपना आंगन या फिर जो भी अखाड़ा उस जगह पे ले जाके अगर तुम विधिवत पूजा करके और अगर तुम हमको मानोगी या फिर मेरा पूजा पाठ करोगी तो तुम्हारा जो भी दुख है वो सभी का सभी दूर हो जाएगा।
और इस तरह से जो होता है ननकी का आँख खुल जाता है, और जब ननकी का आँख खुलता है तो जो भी स्वप्न में आता है वो सारा बात जो है कि वो अपने पति से बताती है कि इस तरह से हमको अभी स्वप्न में कुछ देर पहले ऐसा ऐसा मतलब कि बता रहे थे। तो फिर जो होता है दोनों पति और पत्नी आपस में इस बात में चर्चा करते हैं कि हम लोग को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दोनों निर्णय लेते हैं कि हाँ नहीं सो हम लोग को करना चाहिए। और इस तरह से जो होता है दोनों फिर घर जाता है, और जो है कि एक दिन आता है और आके उस कर्म का पेड़ से यानी कि दाल को काट के लेके और जाता है, और उसके बाद में है उसका पूजन यानी कि जो भी होता विधिवत तरीके से करता है। और जो मैं बता दूं कि ये जो जिस दिन अपना कर्म का दाल का जो पेड़ अपना घर लेके गए थे, तो ये दिन जो होता है ये भादों के शुक्ल पक्ष का एकादशी का दिन होता है, और उसी दिन जो है ये दोनों कर्म का दाल को लेके आते हैं और अपना जो आंगन होता है वहाँ पे पूरा रीझ रंग और पूरा खुशी के साथ में जो है कि इनका पूजन करते हैं। और इस तरह से समय बीत जाता है, और समय बीतने के बाद जो होता है कुछ आगे चल के अगले वर्ष यानी कि जो है कि उनको जुड़वा पुत्र का यानी जुड़वा संतान प्राप्ति होता है, और उन्हीं पुत्र का जो नाम होता है कर्मा और धर्मा। और इस तरह से जो है कि और समय बीतते जाता है, और बीतने के बाद जो है कि जो भी मतलब कि ननकी और जो बिरसा होते हैं उनका और भी पुत्र होते हैं, और कुल मिला के उनका 7 पुत्र होते हैं और 1 पुत्री होती है। तो इस तरह से जो है कि उसका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, और खुशी खुशी जो है वो लोग अपना वहाँ पे कमा खा के रहने लगते हैं। बाकी समय का चक्र चलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, जो भी उनका जो परिवार होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जिसके चलते जो होता है कि उनका जो अपना परिवार का पालन पोषण करने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। तब जो होता है जो बड़ा भाई यानी कि जो कर्मा होता है अपने छोटे भाइयों के साथ में बात करते हैं कि सो हम लोग को शायद कहीं प्रदेश या फिर बाहर काम करने के लिए कुछ भाइयों को चलना चाहिए, जिससे कि हम लोग का जो घर का स्थिति है या फिर जो घर का हम लोग का जो भी हाल है उस सारा अभी एक तरह से दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग को चीज़ ठीक हो सकता है। और इस तरह से वो लोग आपस में निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद में जो है कि जो कर्मा होता है अपने कुछ भाइयों को लेकर के प्रदेश काम करने के लिए चले जाते हैं, और जब प्रदेश चले जाते हैं तो उसके बाद जो भी है फिर समय का चक्र आगे बढ़ते रहता है। जो बड़े भाई लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि वहाँ जब शहर जाते हैं तो उनको वहाँ पे दिन ब दिन जो है उनका तरक्की आगे बढ़ते रहता है, और वो काफ़ी सारा धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं, और इस तरह से काफ़ी वर्ष भी बीत जाता है। और जब बीतने के बाद जो होता है तो जो बड़ा भाई यानी कि जो कर्मा होता है अब उसको ऐसा लगता है कि शायद अब हम लोगों को घर वापस चलना चाहिए, यानी जो अपना गाँव है हम लोग वापस अपना परिवार के पास में चलना चाहिए। और जो भी है तो सारा वो अपना जो भी भाई लोग रहते हैं वहाँ पे सब एक तरह से अपना जो भी सामान रहता है उन सब चीज़ों को अपना बांधते हैं, और जो होता है वापस अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। और इस तरह से जो होता है कि वो लोग फिर फाइनली जो रहता है अपना गाँव पहुँच जाता है, यानी कि जो गाँव पहुँचने के बाद जो गाँव का जो सीमान होता है यानी जिसको हम लोग बॉर्डर भी बोलते हैं, तो उस जगह तक वो क्या होते हैं कि पहुँच जाते हैं। और पहुंचने के बाद जो होता है कि उनको थोड़ा अपने अंदर एक अलग तरीके का विचार आता है कि हम इतना दिन बाद जो है कि शहर से आ रहे हैं, और साथ ही साथ इतना सारा धन दौलत हम कमा के आ रहे हैं, तो मेरा घर वाला लोग क्या है कि हमको यहाँ तक स्वागत करने के लिए आएंगे, और इस तरह से जो होता है वो सोचता है। और इसी बीच जो होता है उस जगह से यानी जहाँ वो लोग रुके हुए रहते हैं वहाँ से एक ग्वाला जो होते हैं पार होते रहते हैं यानी कि जाते रहते हैं, तो जो कर्मा होते हैं उस ग्वाले को बुलाते हैं और बुला के जो है कि उसको बोलते हैं कि जो कि तुम जाओ और मेरा घर में एक खबर दे देना कि जो तुम्हारा यानी कि जो धर्मा है घर में उसको खबर दे देना कि जो तुम्हारा बड़ा भाई है यानी कि कर्मा और जो उसके साथ गए भाई शहर गए थे वो सभी लोग वापस आ गए हैं और गाँव के बाहर में खड़े हैं, तो जो है कि स्वागत करने यानी लेने के लिए बुलाए हैं। और ये परंपरा पहले से भी चलते आ रहा है और अभी भी चलते आ रहा है कि आज के समय भी अगर कोई हम लोग का कहीं बाहर जाते हैं या फिर आते हैं तो उनको हम छोड़ने के लिए जाते हैं, साथ ही साथ लेने के लिए भी जाते हैं, तो उस टाइम भी वो लोग इसी तरह से एक अपना जो मनोकांक्षा होता है अपना लेके भाई के साथ में रखे थे। तो उस तरह से जब होता है तो ग्वाला जो है आता है और धर्मा को बताने के लिए उसका घर, तो जब ग्वाला आता है तो देखता है कि जो धर्मा और जो उसके पूरे परिवार क्या है कि करम देव का पूजा में एक तरह से लीन है, वहाँ पे नाचने झूमने में सभी का सभी वहाँ पे पूरा लीन है। और जो ये बात मतलब ग्वाला बताता है यानी कि धर्मा को उस बात को धर्मा क्या होता है कि उतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देता है और जो है कुछ देर के बाद में भूल जाता है,
और जब भूल जाता है तो भूलने के बाद जो है कि काफ़ी देर कर्मा बाहर में इंतजार करते रहता है, और करने के बाद जो है उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और एक तरह से अपने अंदर चिड़चिड़ाहट के साथ में वो खुद एक होता है अपने भाइयों के साथ में गाँव प्रवेश कर जाता है। और जब प्रवेश कर जाता है तो जो है कि उसको घर तक पहुंच जाता है, और जब घर पहुंच जाता है तो देखता है कि जो भी उसके परिवार के लोग और जो अगल बगल के लोग हैं वो सभी के सभी जो है कि एक पेड़ यानी कि जो कर्म का जो पेड़ लग यानी रोपा हुआ यानी गाड़ा हुआ था, तो उसके चारों ओर जो है कि सभी लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और ये चीज़ देख के जो कर्मा था उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तो इस गुस्से से वो घर के अंदर जाता है, प्रवेश करता है, और जो एक कुल्हाड़ी लेके आता है जिसको कि हम लोग अपना भाषा में टंगा भी बोलते हैं, लेके आता है और जो उस कर्म का जो पेड़ वहाँ यानी कि जो कर्म का जो डाल वहाँ पे गाढ़ा हुआ था उसको काट देता है, और काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, और उसको उठा के जो है गुस्सा में ले जाता है और नदी के जो पार यानी कि फेंक देता है, यानी कि नदी पार नहीं फेंकता है, वो नदी में ले जाके फेंक देता है। और जो है कि इस तरह से फिर ये वापस आ जाता है घर, और जो भी और दूसरे भाई लोग थे वो लोग भी अपना जो भी है अपना अपने जगह पे चले जाते हैं, और जो है जाने के बाद इस तरह से समय आगे बढ़ने लगता है, और समय बढ़ते बढ़ते जो है कि कुछ समय आगे बढ़ने के बाद में ऐसा हाल हो जाता है कि जो कर्मा का जो परिवार होता है यानी कि जो लोग का जो खुशहाल एक परिवार था वो धीरे 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 करके एक इस हाल इस तरह से ऐसा गंदा हाल हो जाता है कि उन लोगों को जो है दो वक्त का खाने तक के लिए भी कुछ मिलने नहीं लगता है, और इस तरह से जो है उनके अंदर काफ़ी दरिद्रगी का जो जीवन होता है वो बिताना पड़ने लगता है, यानी कि लोगों को मांग के दूसरे घरों से ला के और खाने का इस तरह का हाल कहने का मतलब उन लोगों का हो जाता है। और इस बात से जो था कि सभी घर वाले भाई जो भी थे या कर्मा थे सब काफ़ी परेशान थे कि आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब जो होता है कि एक दिन अचानक से कर्मा को एक आकाशवाणी आता है, यानी कि आकाशवाणी यानी कि जो भी आसमान से उसको कुछ आवाज़ सुनाई देता है, सुनाई यही देता है कि उसमें से जो कर्मदेव रहते हैं वो भविष्यवाणी करके इसको मतलब बताते हैं कि तुम जो मेरा कर्म का जो डाल का जो अपमान किया था यानी कि जो कर्मदेव का अपमान किया था उसी का ये फल है या फिर नतीजा है कि आज जो तुम्हारा परिवार सड़क में आ गया या फिर इतना ज़्यादा गरीबी की ओर चला गया। तो अगर तुम अभी भी चाहते हो कि अगर तुम फिर से अपना खुशहाल वाला जीवन या फिर ज़िंदगी जी सको पूरे परिवार के साथ, तो उसके लिए जो है कि तुमको अगर मेरा कहे अनुसार करोगे तो तुम्हारा सारा कुछ यानी जो दुख है वो दूर हो सकता है। और इस तरह से कहने के बाद जो है कि उसको बताता है कि जो तुम कर्म का डाल यानी कि जो काट के फेंका है नदी में, तो तुम उसको वापस ले के आके और इसी तरह से फिर से आंगन यानी जो अखाड़ा है वहाँ पे गाड़ो और जो है विधिवत तरीके से उसका पूजन करो सब परिवार मिल के, तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। और ये चीज़ को सुन के जो कर्मा होता है वो एक तरह से उसके अंदर एक आशा एक का किरण जगता है, एक उम्मीद जगता है कि शायद मेरा जीवन हो सकता है कि अब जो हम गलती किए थे उस गलती से मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ वो ठीक हो सकता है। और ये सोच के जो होता है उस कर्म का डाल को लेने के लिए जो होता है निकल पड़ता है, यानी कि जो उसका तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। लगातार जो होता है कि वो आगे रास्ते में मतलब कि कर्मा के तलाश में बढ़ते जाता है और वो लगातार जो है दिन भर दिन पूरा एक तरह से परेशान होकर वो आगे बढ़ते जाता है। और इसी क्रम में जो होता है कि उसको काफ़ी मतलब कि प्यास लग जाता है, तो प्यास जब लगता है तो वो सोचता है कि कहीं चल के जो है हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। और इस तरह से जब वो आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद जो है कि उसको एक तालाब दिखाई देता है, तो वो सोचता है कि तालाब में चल के और कुछ अपना पानी पी के हम अपना प्यास बुझा लेते हैं। और जब आगे तालाब में जाता है और जैसे ही तालाब का पानी वो हाथ में यानी कि ले के और पीने की कोशिश करता है तो देखता है कि जो तालाब का पानी है उसमें कीड़ा यानी कि छोटा छोटा बहुत सारा कीड़ा उसमें भरा हुआ है, और उसे देख जो होता है वो उसको पी नहीं पाता है और उस पानी को छोड़ फिर वहाँ से वो आगे चला जाता है यानी कर्म का तलाश में। और इस तरह से जो है कि वो आगे चलते जाता है और जो काफ़ी समय होने के बाद जो है कि उसको काफ़ी भूख और प्यास लगता है और उसको जो है कि कुछ भी आगे दिखाई नहीं देता है। और इस तरह से चलते जा रहा है तो उसे जो होता है अचानक से रोड पे यानी कि रास्ते पे एक चिड़ा बेचने वाला दिख जाता है। और जब चिड़ा बेचने वाला जब उसको दिख जाता है तो जो उसके मन में एक थोड़ा उम्मीद आता है कि जाके हम थोड़ा चिड़े वाले से कुछ खाने के लिए मांग लेते हैं जिससे थोड़ा मेरा भूख जो है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। और ये कह के जो है उसके पास जाता है और जाके जो है चिड़े वाले से चिड़ा मांगता है, तो चिड़ा वाला उसको चिड़ा खाने के लिए दे देता है। लेकिन जो है कि जब वो चिड़ा खाने के लिए जैसे ही मुँह में डालता है तो जो है कि उसके मुँह में चिड़ा के साथ में बहुत सारा कंकड़ जो है शामिल था और उसके साथ मुँह में चला जाता है।
और जब चला जाता है तो जैसे वो खाने खोजता है यानी कि चबाता है तो उसको कंकड़ मिल जाता है, और जब कंकड़ मिल जाता है तो उस चिड़े को भी वो खा नहीं पाता है, और जो है फिर उसको वहाँ पे छोड़ के जो है कि फिर वो आगे बढ़ जाता है और काफ़ी वो परेशान हो जाता है यानी कि भूख प्यास से, और इस तरह से जो है वो आगे लगातार जो है करम देव का तलाश में आगे वो चलते जाता है और चलने के बाद जो होता है कि कुछ दूर जाने के बाद में उसको एक फिर से जो है एक बारी दिखाई देता है, और जो बारी रहता है उस बारी में बहुत सारा फसल लगाया हुआ था, और जो है कि एक उसमें खीरा का भी फसल लगा हुआ था, और जब वो खीरा का फसल को देखता है तो उसके मन में एक दोबारा फिर से एक उम्मीद जगता है कि अब शायद मेरा जो है प्यास या फिर भूख मिट सकता है, और जाता है उस बारी में और वहाँ से वो खीरा तोड़ के लाता है, और खीरा तोड़ के लाता है और उस खीरे को भी खाने के लिए जैसे ही हाथ से तोड़ता है तो देखता है कि उस खीरे के भी अंदर में बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं, और ये सब देख जो है कि उस खीरे को भी फिर वो नहीं खा पाता, और इस तरह जो है वो काफ़ी परेशान हताश हो जाता है, और जो है फिर आगे वो अपना जो भी उसका कर्तव्य था यानी कर्म देव को खोजने का उस ओर वो निकल जाता है, और जब आगे बढ़ते जाता है तो वो जो है काफ़ी थक जाता है और जो है उससे अब आगे चला नहीं जाता, और इस कारण से जो है कि वो आगे मतलब कि सोचता है कि अब मेरे से तो चला ही नहीं जाएगा, कैसे हम अपना भूख मिटाएं प्यास मिटाएं, और जो है कि एक आशा का किरण उसको दिखता है, एक पेड़ आगे तरफ में एक पेड़ दिखाई देता है, और उस पेड़ के बगल में जो है कि एक घोड़ा खड़ा था, तो जब उस घोड़े को देखता है तो उसके मन में जो है एक खुशी आ जाता है, खुशी इसलिए आता है कि अब वो सोचता है शायद इस घोड़े के मदद से जो है कि हम आगे का जो दूरी यानी जहाँ तक हमको जाना है यानी करम देव का खोज में वहाँ तक इस घोड़े के साथ हम चलेंगे ताकि हमको कुछ सुविधा यानी होगा, हम चलना हमको नहीं पड़ेगा, और इस तरह से जो है उस पेड़ के पास में जाता है और उस घोड़े के पास जाके जो है कि अपना कहानी बताता है कि हम किस प्रकार से गलत किए थे यानी करम देव को हम कैसे अपमान किए थे, और जो है कि उसी के लिए हम उसी के तलाश में जा रहे हैं। तो ये सब बात जब वो घोड़ा सुनता है तो जो घोड़ा होता है वो उस जगह से भाग जाता है यानी कि उसका मदद करना नहीं चाहता है, और इस तरह से जो है कि एक आखिरी उम्मीद जो उसके पास बचा होता है वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इस तरह से होता है कि वो परेशान हताश होके वो आगे बढ़ते ही रहता है मतलब वो रुकता नहीं है, और इस तरह से वो आगे चलते जाता है और आगे चल के जो है उसको एक बहुत बड़ा सा नदी मिल जाता है, और जब वो नदी को देखता है तो उसके सामने एक और बहुत बड़ा चुनौती आ जाता है कि अब जो है कि हम इस नदी को पार करके कैसे उस पार जाएंगे क्योंकि नदी में तो पूरा पानी भरा हुआ है, और इस तरह से जो है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी और एक तरह चिंता में नदी के किनारे में जो होता है वो बैठ जाता है, और बैठ के जो है कि एक तरह से सोचने लगता है कि हम कैसे उस पार जाएं। तभी जो होता है कि नदी के किनारे पे यानी जो किनारा होता है उस ओर पे एक मगरमच्छ होता है वहाँ पे किनारे में, और उस मगरमच्छ को देखने के बाद जो होता है कि इसके मन में कुछ एक उम्मीद आता है कि शायद हो सकता है ये मगरमच्छ हमारा कुछ एक मदद कर सकता है या करेगा, और जो है कि उसके सामने वो जाता है, और जाने के बाद में जो है कि उसके पास जाके उसको जो है अपना कहानी एक तरह से बताता है कि किस प्रकार से हमने जो है करम देव को अपमान किया था और उनको काट के जो है नदी में हम बहा दिए थे जो कि हमारा नदी के उस पार में है, और उसको मतलब उनको हमको लेके आना है इस ओर, तो हम उस ओर कैसे जाएंगे मतलब इस तरह से बताता है, तो जो मगरमच्छ होता है वो इस बात से मान जाता है कि ठीक है हम है कि आपका मदद करेंगे और आपको हम नदी के उस पार ले जाएंगे, लेकिन इसके बदले जो है आपको मेरे लिए भी एक मदद करना होगा, और मदद यही करना होगा कि जो मगरमच्छ होता है वो जो नेट यानी जो जाल होता है उससे ना वो बंधा हुआ होता है, तो जो मगरमच्छ होता है वो बोलता है कि मेरे शरीर में जो भी नेट बंधा हुआ है उसको आप हटा दीजिएगा तो मैं आपका मदद करूँगा, और इस बात से जो कर्मा होता है वो मान जाता है और खुशी खुशी उसके शरीर से जो नेट का जो जाल होता है उसको हटा देता है, और इस तरह से हटाने के बाद जो है उसको अपने पीठ में बैठा के और नदी के उस पार मतलब कि कर देता है, और करने के बाद जो है कर्मा फिर जाता है करम देव के पास में, और जाने के बाद में जो भी उससे अपना क्षमा याचना मांग के उससे अपना आशीर्वाद लेता है, और लेने के बाद में जो है कि वहाँ से कर्मा का डाल को यानी कि कर्मा का डाल को काट के लेके और फिर इस ओर आता है, और आने के बाद में उसको फिर वापस अपना घर ले जाता है, और जो उसका आंगन होता है उस आंगन में फिर उसको विधिवत तरीके से गाड़ के और जो है कि उसका पूजा पाठ करके और पूरे सब परिवार वहाँ पे नाचते देखते झूमते हैं, और इस तरह से जो है कि ये कहानी यहाँ पे हम लोग का जाके ख़त्म होता है, और इस तरह से जो है कि इसके बाद जो उसका जो परिवार होता है एक तरह से फिर से जो पहले की तरह पूर्ण रूप से धन दौलत और खुशियों से भर जाता है। और तो दोस्तों आगे अब आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि जो हमारे गांवों में किस प्रकार से करम का जो पर्व होता है उसको किया जाता है यानी उसका जो विधि करने का किस प्रकार से है,
तो आज आगे चल के अभी आप लोगों को यही हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो मैं आप लोगों को पहले बताया था कि जो भादों के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी के दिन होता है, यानी इसी दिन हम लोग कर्म का त्यौहार मनाते हैं। तो जो इस दिन होता है, इस दिन जो भी मतलब कि भाई होते हैं या बड़े बुजुर्ग जो भी हमारा चाचा हो गए या फिर जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सभी लोग जो भी होते हैं कि हम बहनों का क्या करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करने का मतलब कि जो भी उनका जो काम होता है, यानी कि अखाड़ा सजाना हो या फिर कर्म का डाल दूसरे जगह से लेके आना, यानी इन सारा चीज़ों को जो है हम लोग करते हैं, यानी जो भाई लोग होते हैं ये सभी लोग करते हैं। और जो है कि आगे आप लोग को बताने वाले हैं कि जो हम लोग कर्म का जो डाल लाते हैं उसको लाने का जो विधि होता है, यानी उसको लाने का एक प्रॉपर जो तरीका होता है, किस तरह से लाया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि उसके लिए जो होता है, जो भी भाई जाते हैं लाने के लिए कर्मा का डाल, सबसे पहला तो जो कर्म का पेड़ होना चाहिए ये हम लोग के गांव से बाहर का, यानी कि जिस गांव में हम लोग रहते हैं तो उस गांव से बाहर का होना चाहिए, यानी जो सीमान से बाहर का। और जो उसके बाद जो हम लोग जब डाल काटते हैं तो उसका हम लोग चार डाली काटते हैं, यानी कि जो भी पेड़ होता है उसका चार डाली काटते हैं, और उसमें से जो होता है तीन डाली जो है हम लोग अपना अखाड़ा या फिर जो आंगन जहाँ हम लोग कर्म गाड़ते हैं वहाँ लेके आते हैं, और जो एक डाली होता है उसको जो भी हमारे गांव के पहान होते हैं या कोटवार होते हैं उनके यहाँ गाड़ा जाता है। और सबसे पहला कर्म जो होता है उन्हीं के यहाँ गाड़ा जाता है, जो कोटवार और पहान होते हैं उनके यहाँ या उनके ज़मीनों में। और जो उसके बाद जो हम लोग तीन डाल होता है उसको जो अखाड़ा हो गया या फिर जो आंगन हो गया हम लोग का, वहाँ पर लाते हैं और वहाँ पर ला के उसको गाड़ते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो हम लोग कर्म का डाल जो लेके आते हैं अपने घरों तक या आंगन अखाड़ा तक, तो उसका लाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है जिस तरह से हम लोग लेके आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हम लोग डाल काटते हैं तो उस डाल का जो निचला हिस्सा होता है वो ज़मीन में स्पर्श नहीं करना चाहिए, और इसके लिए जो है हम लोग जो है कुछ जुगाड़ लगाते हैं, यानी जुगाड़ हम लोग लेके जाते हैं, या फिर कह सकते हैं ये नियम है कि हम लोग लेके जाते हैं सखुआ का पत्ता और साथ ही साथ जो चीड़ का घास होता है उसको हम लोग लेके जाते हैं, और उसका रस्सी बनाकर जो डाल होता है उसका निचला हिस्सा में पत्ता देके और उसको हम लोग बांधते हैं, जिससे कि बाय द वे अगर गलती से ज़मीन में अगर सट भी जाए तो स्पर्श ज़मीन से डायरेक्ट ना हो। और इस तरह से जो होता है कि हम लोग उस डाल को फिर अपना आंगन या फिर जो अखाड़ा तक लेके आते हैं। और जो उस दिन जो होता है, यानी जिस दिन कर्म हम लोग गाड़ते हैं, जो भी हमारे बहनें होती है वो सभी पूरा दिन जो होता है निर्जला उपवास करती है, यानी कि जो दिन भर वो लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं। और उपवास करने के बाद जो होता है जब हम लोग कर्म लेके आते हैं यानी गाड़ते हैं, उसके बाद में जो होता है जो भी बहनें होती है वो नहाने के लिए चली जाती है, जो भी कोई जगह पर नदी में जाते हैं कहीं तालाब में जाते हैं, और जो भी बहनें होती है वहाँ पे नहा के एक जो भीगा वस्त्र होता है उसमें वो सभी लोग वापस घर तरफ आते हैं। और जो आने के क्रम में होता है वो वहाँ पे गीत संगीत करते हुए जो हम लोग का धान का जो खेत होता है उसके बीचों बीच से होके आते हैं, उसी से चल के आते हैं, और जो धान का जो पत्ता होता है उसको फूल के तौर पर तोड़ के और देते आते हैं। और जो उनके पास एक छोटा सा टोकरी होता है जिसको हम लोग डलिया भी बोलते हैं, तो उसी में ले के आते हैं और फिर वापस अपना घर आते हैं। और घर आने के बाद जो होता है सभी लोग फिर एक जो भी परंपरागत तरीके का जो हम लोग का ड्रेस होता है, यानी कि उस तरह से सभी लोग तैयार होते हैं, सजते धजते हैं, और जो डलिया होता है उसमें जो प्रसाद के रूप में जो हम लोग का चढ़ावन होता है कर्मदेव के लिए, जैसे कि खीरा हो गया, चिवड़ा हो गया, साथ ही साथ चना हो गया, यानी कि इस तरह से जो जो सामान हम लोग का वहाँ पर होता है और सजावट के कुछ सामग्री होता है वो सारा चीज़ लेके हम लोग क्या होता है उस टोकरी में इकट्ठा करते हैं। और जब सब कुछ तैयार हो जाते हैं तो फिर हम लोग बहन जो भी है सभी लोग जाते हैं अखाड़ा, और वहाँ जाने के बाद में जो भी और जो अगल बगल या फिर जो हम लोग घर के बड़े बुजुर्ग चाहे माता बहनें हैं या फिर चाचा चाची पापा मम्मी जो भी हैं सभी लोग वहाँ पे जाते हैं। और जाने के बाद जो भी पुजारी यानी कि होते हैं यानी पुजारी, वो सभी लोग एक तरह से क्या होते हैं कि जो कर्म डाल जहाँ पे गाढ़ा हुआ रहता है उसके चारों तरफ गोल से यानी एक तरह से बैठ जाते हैं, यानी कि सभी लोग एक तरह से बैठ जाते हैं। और जो बैठने के बाद में होता है जो भी हम लोग का गाँव का जो पहान होते हैं हम लोग का गाँव का, वो वहाँ पर आते हैं, और आने के बाद जो है कि वहाँ पर एक विधिवत तरीके से उन लोगों को जो कर्मा और धर्मा का जो कहानी है और जो भी उसका जो पूजा करने का जो भी एक तरह से तरीका है पहन अपने तरीके से सारा कुछ बताते हैं और सभी को वहाँ पर कहानी सुनाते हैं। और इस तरह से जो है कि वहाँ पूरा कहानी बताने के बाद में एक तरह से पूजा आखिरी ओर पहुँच जाता है, और जब आखिरी हो जाता है पूजा तब जो है पहन के द्वारा सभी बहनों से कुछ पूछा जाता है। और पूछा क्या जाता है तो पूछा यही जाता है कि पहान द्वारा पूछा जाता है सभी सुक्ताइन जो हम लोग एक तरह से बोल रहे हैं कर्मितिन जिसको बोलते हैं, तो उनको मतलब पूछा जाता है कि सो
ये मतलब कि ककर करम, यानी इस तरह से क्वेश्चन मतलब एक तरह से पूछा जाता है। तो जो जितने भी पूजनानी सोक्ताइन यानी कि जो होते हैं कर्मितीन, उन सब का एक अपना जवाब होता है। जवाब क्या होता है? अपन करम भाइयक धर्म और कोहड़ा लखे बेटा। तो अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोहड़ा लखे बेटा ये क्या है। इससे पहले तो चलो कि अपना कर्म भाइयक धर्म ये समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो कर्म का पर्व होता है ये सभी कुंवारा लड़कियाँ मतलब करती है, यानी जो भी कुंवारी लड़की होती है वही लोग करती है। तो शादी से पहले तो किसी भी इस तरह से मतलब कि जो संतान का तो बात नहीं आ सकता है, तो इसी चलते जो होता है वो सभी लोग मतलब कि कोहड़ा को वहाँ पे एक अपना संतान मान के और जो है कि उसका मतलब पूजा करते हैं, ताकि जो आने वाला जो आगे का ज़िंदगी होगा उसमें जो उन लोगों का जो भी संतान होंगे एक तरह से सुखी और संपत्ति के साथ में मतलब खुशहाल के साथ में आगे रहे। और इसलिए जो है कि उस समय वो सभी लोग उसको एक कोहड़ा को ही एक अपना बेटा के रूप में मानते हैं, और जो है कि इसीलिए वहाँ पर इस तरह बोला जाता है। और इसके साथ हम लोग जो है कि खीरा जो होता है उसको भी एक बेटा के रूप में मानते हैं और प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। खीरा को भी हम लोग बेटा मान के मानते हैं यानी कि चढ़ाते हैं। और तो इस तरह से फाइनली जो होता है पूजा का जो विधि यानी कि जो पूजा जो होता है यहाँ पे संपन्न पूरा हो जाता है। और जैसे ही पूजा संपन्न हो जाता है तो होने के बाद में जो है कि उस जगह पे जितना भी कर्मितिन होती है और जो और चाचा चाची लोग जो भी होते हैं, उस सभी लोग जो होते हैं मिल के जो करम राजा यानी करम देव का जो भी संगीत गीत है यानी कि उस सभी चीज़ों को वहाँ पे गाते हुए उसके चारों तरफ एक तरह से घूमते हुए एक अपना नृत्य करते हैं। और इस तरह से जो होता है रात भर जो है उसका सेवा किया जाता है और रात भर इस तरह खुशी मनाया जाता है, यानी कि पूरा खुशी के साथ में वहाँ पे खुशी उल्लास के साथ में नाचा झूमा जाता है और पूरा इस तरह से रात भर नाचा यानी कि खुशी मनाया जाता है। और तो इस तरह से जब उस रात पूरा अच्छे तरीके से बीत जाता है तो फिर उसके जो सुबह का तीन होता है तो जो भी कर्मितीन होती है वो सभी लोग उपवास यानी कि नहा धोवा के सुबह में आते हैं और आने के बाद में जो है कि करम देव को एक तरह से अपना भोजन देते हैं। भोजन के रूप में जो भी चावल चना और जो भी होता है वो एक तरह से उनको मतलब कि समर्पित करते हैं। तब जाके जो वो लोग फिर वापस एक तरह से उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं और फाइनली उसके बाद अपना घर में जाके जो भी कुछ खाने का भोजन या फिर अपना खाते हैं। और इस तरह से उस टाइम समय बीतने के बाद जो होता है शाम का समय आता है, उससे पहले जो भी कर्मितिन होते हैं या फिर और जो भी गांव के लोग होते हैं सभी लोग मिल के उस दिन भी पूरा दिन भर नाचते झूमते हैं। और जो आखिरी जब शाम का समय आता है तो उसको जो करम देव है उनको विसर्जित करने का पारी आता है। तो उससे पहले जो होता है गाँव में काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाया जाता है और सब लोग आपस में चाहे लड़का हो चाहे लड़की चाहे चाचा चाची यानी दादा दादी जो भी गांव में रह रहे लोग हैं सभी लोग आपस में मिल के जो है एक तरह से खुशी के साथ में एक एकजुट होकर एक अखड़ा एक आंगन में नाचते डेकते झूमते हैं और जो है इस तरह से उसका समापन करते हैं। और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब करम देव यानी करम राजा को नदी या फिर तालाब में विसर्जन करने के लिए ले के जाते हैं। और तो दोस्तों आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो हम लोगों द्वारा प्रयास किया गया यानी हम लोग जो आप लोगों को जानकारी दिए ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो ये हम जानकारी आप लोगों को दिए ये हम लोग अपना एरिया या फिर हम लोग के क्षेत्र के आधार से हम लोग आप लोगों को जानकारी दिए। इसके अलावा मतलब कि जो है आपके जगह या फिर एरिया बेसिस पे इस पर्व को मनाने का तरीका अलग हो सकता है या फिर जो हम आप लोगों को बताए उसमें कुछ हम छोड़े होंगे या कुछ कमियां रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करके उस चीज़ को जरूर बताइएगा कि कुछ हम छोड़े हैं। और तो साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो आपके जगह पे यानी जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे ये कर्मा का जो पर्व है यानी किस प्रकार से किया जाता है। और बाकी चलिए अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त या फिर अपने परिवार के लोगों के साथ में ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बाकी चलिए इस करम के पावन पर्व का आपके और आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से हार्दिक बधाई है। आप सब परिवार पूरा मिलजुल के इस पर्व को अच्छे तरीके से खुशी मनाइए। बाकी हम लोग आप लोगों से बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद वंदे मातरम।